गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? आई बिलीव एवरीबडी इज फिट एंड फाइन। तो आज संडे मॉर्निंग है और संडे मॉर्निंग में आज हम फिर से क्लासेस को रिज्यूम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बताओ, मेरी आवाज आ रही है क्या? आप मुझे सुन पा रहे हो और जो मैं समझाने वाला हूँ क्या वो समझ पाओगे? ठीक है, सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को बिल्कुल लाइक कर देना। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइलम हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइलम सिलेंट्रेटा, इसको निडेरिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो आज सारी बातें हम देखने वाले हैं। तो सब बढ़िया, मज़े में, आराम से है सब? चलो, तो हमारी तरफ तो हो रही है बारिश, क्या आपकी तरफ भी बारिश हो रही है मुझे बताइए। ओके, तो शुरू करें। बिल्कुल मेरी आवाज़ क्लियर है? अदिति ने बता दिया है मेरी आवाज़ क्लियर है। तो कौन कौन आ गया है? वीरेंद्र इज देयर, पल्लवी, हितेश, कुलदीप, दोनों कुलदीप एक साथ मैसेज करते हैं, बोराना, ओके, पल्लवी। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? तो बारिश नहीं हो रही है। आई थिंक आवाज़ तो मेरी आ ही रही होगी। दोनों कुलदीप एक साथ, ओके। तो भाई हेडिंग डाल लीजिए, हम कर रहे हैं फाइलम सिलेंट्रेटा। कोलेंट्रेटा नहीं बोलते इसको, सिलेंट्रेटा बोलते हैं, इसको निडेरिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको दो चीजें दिखाई हैं। इसको क्या बोलोगे आप? जेलीफिश बोलते हो, जेलीफिश। और इसको क्या बोलते हैं हम? सी एनमोन। एडम्सिया भी बोलते हैं, ठीक है। सी एनामोन है ये, और ये जेली फिश है, इसको ऑरिलिया बोलते हैं। तो ये फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर आते हैं। हमारी तरफ तो देखो बहुत बारिश आ रही है, बैकग्राउंड में मुझे बहुत बारिश की आवाज़ आ रही है। बैकग्राउंड वाइज मैंने थोड़ी सी बंद की हुई है, आई बिलीव तुमको आवाज़ नहीं पहुंचेगी। ओके, तो जेली फिश है ये। अब सिलेंट्रेटा या निडेरिया बोल रहे हैं इनको, क्यों बोलते हैं निडेरिया? अभी वो मैं बताने वाला हूँ। स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, इसकी वजह से इनका नाम यह पड़ा है। और इनमें एक सेंट्रल ओरल बॉडी कैविटी होती है, सिलेंट्रॉन बोलते हैं, उसकी वजह से सिलेंट्रेटा कहते हैं। तो वहाँ पे अभी हम डिटेल में जाने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि इनमें कैविटी होती है, बॉडी कैविटी नहीं, इनमें बॉडी कैविटी नहीं होती, एक सिलेंट्रॉन होता है जिसकी वजह से इनको सिलेंट्रेटा कहा गया है। पर इनमें सिलोम नहीं पाई जाती, सिलोम इनमें एबसेंट होती है, सिलोम इज एबसेंट। तो सिलोम एबसेंट रहेगी इसलिए इनको एसिलोमेट कहा जाता है। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। अब देखो, सिमेट्री मैंने पहले भी समझाई थी, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, यानी अगर ये बॉडी है इनकी तो इनको किसी भी रेडियस से आप दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी रेडियस से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह की सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। रेडियल सिमेट्री क्लियर हो गई तो बताओ मेरे को, जल्दी बताओ। रेडियल सिमेट्री क्लियर हो गई है तो बताओ मेरे को जल्दी से, इज दिस क्लियर? चलो, तो रेडियल सिमेट्री हमने समझ लिया, किसी भी प्लेन से या किसी भी रेडियस से इसको हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सिलोम एब्सेंट है इसके अंदर। इसका जो नेम निडेरिया रखा गया है, वो रखा गया है क्योंकि इनमें नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स प्रेजेंट है। ये क्या होते हैं? ये जो नीडोब्लास्ट, ये स्पेशल सेल्स होती हैं, ठीक है, स्पेशल टिश्यू है। इसके अंदर स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती हैं। स्टिंगिंग सेल्स को कैप्सूला या निमेटोसाइट्स भी कहा जाता है। तो निमेटोसाइट्स प्रेजेंट होने की वजह से इनमें एक नीडोब्लास्ट टिश्यू है, नीडोब्लास्ट टिश्यू के अंदर स्टिंगिंग सेल्स हैं या निमेटोसाइट्स हैं, और इसी की वजह से इनका नाम निडेरिया भी रखा गया है, ठीक है, निडेरिया रखा गया है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? बताओ जल्दी से, ओके, ठीक है। अब देखो, ये जो स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, ये इनके टेंटाकल्स में प्रेजेंट रहती हैं। अगर तुमने हाइड्रा में बनाऊं यहाँ पर, तो ये एक हाइड्रा की बॉडी बना देता हूँ ऊपर वाली, तो हाइड्रा में क्या होते हैं? टेंटाकल्स होते हैं। हाइड्रा में टेंटाकल्स होते हैं। इन टेंटाकल्स के एंड पर, यहाँ पर
ये स्टिंगिंग सेल्स होती है, ये स्टिंगिंग सेल्स इसको बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है, अपने शिकार को मार के पकड़ने में और उसको माउथ तक लेके आने में। ये जो ओरल कैविटी दिख रही है यहाँ, ये माउथ है, ठीक है, तो वहां तक फूड ले, अपने प्रे प्रे बोलते हैं उसको शिकार को, है ना, दे कैच देयर प्रे, ठीक है, अपने शिकार को पकड़ेंगे, उसको लेके आएंगे, ठीक है, अपने माउथ तक ले आएंगे, उसको किल कर देंगे वहीं पे। या अगर इनको कहीं पे एंकरेज करना है, एंकरेज का एंकरेज नहीं बोलो, एंकरेज, एंकर, एंकर करना है, एंकरेज करना है, ठीक है, एंकरेज का मतलब किसी सतह से, किसी सरफेस से इनको अटैच होना है, ठीक है, तो वो उसके लिए भी ये स्टिंगिंग सेल्स और टेंटाकिल्स की हेल्प लेते हैं, ठीक है, ये स्टिंगिंग सेल्स को वहां पर लगा देंगे, उससे अटैच हो जाएंगे किसी भी सतह से, तो एंकरेज में इसको बहुत हेल्प मिलती है और अपनी प्रोटेक्शन भी कर सकता है। अगर इसको खतरा महसूस दे रहा है कोई, इसका शिकार, ये खुद शिकार कर रहा है और इसका भी शिकार करेंगे, देखो एनिमल है, दे डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन अदर्स, तो ये भी किसी का फूड है, तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसको हथियार नेचर ने ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, क्लियर, चलो क्लियर हो गया तो अच्छी बात हो गई है, चले आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो ये इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्लास के थोड़ी देर बाद आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। इतना तो मैं अपने बच्चों के लिए कर ही सकता हूँ, है ना, क्योंकि अब नोट कराते रहना डिजिटली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा, आई कैन फील दैट। ओके ओके, तो ये जो नीडोब्लास्ट हैं, जो नेमेटोसाइट्स हैं, ये किसके लिए काम आ रहे हैं, एंकरेज के लिए काम आ रहे हैं, डिफेंस के लिए काम आ रहे हैं, ऑलरेडी मैंने बता दिया, और कैप्चर ऑफ प्रे, अपने फूड को कैप्चर करने के लिए ये नीडोब्लास्ट काम आते हैं। जितने भी सिलेंट्रेटा होते हैं, निडेरियंस होते हैं, वो सब के सब एक्वेटिक हैं, कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे फ्रेश वाटर में जैसे हाइड्रा पाया जाता है, ज़्यादातर मैराइन है, मैराइन वाटर में पाए जाएंगे, समुद्र में, ओशंस में पाए जाएंगे। ओके क्लियर, मजा आ गया, ठीक है। एंकरेज मतलब किसी सतह से जुड़ जाना, डिफेंस मतलब अपनी प्रोटेक्शन करना, कोई आ रहा है उसको किल करने के लिए, उससे अपनी प्रोटेक्शन करना, फाइट करना उससे, और कैप्चर प्रे भैया फूड को कैप्चर करना, अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करेगा। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं, तो हेटरोट्रॉपिक के लिए तो हमें तो फूड चाहिए दूसरे ऑर्गेनिज्म से, सिलेंट्रेटा को भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड चाहिए, तो वो उसको किल करेगा, किल करने के लिए वो नीडोब्लास्ट का यूज है। ओके, और हैबिटाट क्या है इनका, हैबिटाट इनका एक्वाटिक है, दोनों तरह के हैबिटाट में पाया जा सकता है, कुछ फॉर्म जो होती है जैसे हाइड्रा वो फ्रेश वाटर में पाई जाएंगी, पर ज्यादातर फॉर्म्स इनकी मैराइन होती है, जैसे जेलीफिश, एनमोन की हमने बात करी है। ओके चलिए, गुड मॉर्निंग कुमार, हाउ आर यू। दीज आर सॉलिटेरी और कॉर्नलियर, देखो ये सॉलिटेरी हैं, है ना, अकेले पाए जाते हैं, अलोन, दे लिव अलोन, कुछ फॉर्म्स इनकी अकेले पाई जाएंगी, जैसे हाइड्रा की बात करें, हाइड्रा अकेला पाया जाएगा, आवारा हूं या गर्दिश में हूं, आसमान का तारा हूं, आवारा हूं, ये हाइड्रा का सोलो थीम हो सकता है ना, सुनो, तुमने गाना सुना नहीं होगा, बहुत पुराना है, समथिंग लाइक दिस, आवारा हूं, आवारा हूं, या गर्दिश में हूं, आसमान का तारा हूं, तो एक तरीके से आवारा है यानी अकेला है, अलोन है, अकेला ही रहना पसंद करता है, सॉलिटरी है। कुछ है जो भैया कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, कॉलोनी यानी ग्रुप में पाए जाएंगे। ओके, तो कुछ कॉलोनी में रहते हैं और कुछ जंगलों में रह रहे हैं, जंगल में रहने वाले इंसान जिन्होंने खेतों के बीच में अपना घर बनाया, अकेले रह रहे हैं, झोपड़ियां बनाई हुई है, तो इस तरह के भी, और कुछ कॉलोनीज में रह रहे हैं, सोसाइटी के साथ रह रहे हैं, तो ये सोसाइटी के अगर साथ रह रहा है तो कॉलोनियल फॉर्म में रह रहा है, और अकेला रह रहा है तो भाई जंगल में रह रहा है, मान सकते हैं ऐसा। ओके, इज दैट क्लियर, मजा आया, हाँ तुमको मजे आ रहे होंगे। दीज आर सीडेंट्री, सीडेंट्री मीन्स अटैच्ड टू द सरफेस, अटैच्ड टू द सरफेस, जहां पर पाए जा रहे हैं उस सरफेस पे अटैच्ड पाए जाते हैं, और कुछ फॉर्म्स हैं जो फ्री
करती हैं, जेलीफिश मूव कर रही है, सी एनमोन अटैच्ड है और हाइड्रा अटैच्ड है, सरफेस पे अटैच रहता है, मूव नहीं करता, और कुछ फ्रीली स्विमिंग करते हैं, जैसे जेलीफिश, जेलीफिश फ्रीली स्विमिंग कर सकती है। सिडेंट्री क्या हो गया? अटैच्ड हो गया सरफेस से। सिडेंट्री वर्ड, वर्ड का मीनिंग पता होगा तो नॉलेज आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए। ओके, तो अटैच्ड है, सिडेंट्री है, फ्रीली स्विमिंग कर रहा है, भाई वाटर में पाया जाएगा, स्विमिंग ही करेगा। मूवमेंट किस फॉर्म में होगी? स्विमिंग की फॉर्म में होगी, चल के तो जाएगा नहीं, ठीक है? तो फ्रीली स्विमिंग कर रहा है, दोनों फॉर्म इसमें, दोनों तरह का लोकोमोशन पाया जाता है। सिसाइल भी है, मतलब सिडेंट्री है, मूव नहीं कर रहा है, और मूव कर रहा है तो फ्रीली स्विमिंग करने वाली फॉर्म्स भी पाई जा रही हैं। ओके, सिमेट्री, सिमेट्री की हमने बात करी थी, देखो रेडियल सिमेट्री पाई जा रही है, ठीक है? तो रेडियल सिमेट्री क्या होता है? रेडियल सिमेट्री तो बोलिए कि किसी भी एक्स रेडियस से इसको डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल हाफ में, ये होगी रेडियल, ठीक है? अब एक होती है बाई रेडियल सिमेट्री। बाई रेडियल होती है कि सिर्फ दो रेडियस या दो प्लेन से इसको इक्वल हाफ में किया जा सकता है, ये बाई रेडियल सिमेट्री, ठीक है? बाई रेडियल कैसे होती है? बाई रेडियल इसमें अक्सर लॉन्गिट्यूडनल होती है, जो ओरल एबोरल एक्सिस होती है। ओरल यानी माउथ, अब इनमें क्योंकि एनस एब्सेंट होती है तो एक रियर एंड होता है जो एनस की तरफ इशारा जरूर कर रहा है, मतलब एनस इसमें एब्सेंट है ना? तो रियर एंड जो है, जो जनरली एनस या पोस्टीरियर एंड बोल सकते हैं इसको, पिछला वाला भाग, पोस्टीरियर एंड पीछे वाला भाग, यानी माउथ से लेकर पीछे वाले रियर एंड तक, उसको एक लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में काटा जा सकता है, एक इंटू टू हाफ, टू हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? क्लियर? ओके, चलिए मूव करें आगे। समझ में आ गया होगा ये। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल है। देखो लाइफ सेल्यूलर लेवल से शुरू की थी हमने, पहला फाइलम जब हम देखा तो सेल्यूलर लेवल था। सेल्यूलर लेवल क्या था? देखो जितने भी एनिमल हैं वो सब के सब मल्टी सेल्यूलर हैं। ऑल द एनिमल्स, दीज ऑल एनिमल्स आर व्हाट? दीज ऑल आर मल्टी सेल्यूलर, ये तो हम जानते हैं। अब अगर सिर्फ सेल्स ही फंक्शन कर रही हैं और उन्होंने ग्रुपिंग नहीं करी है, अलग अलग सेल्स अलग अलग तरीके के फंक्शंस कर रही हैं, तब हम उसको कह रहे हैं कि भैया सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स ने ग्रुपिंग नहीं करी है। सेल्स ने ग्रुपिंग नहीं करी है तो सिर्फ सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा। जब अगर सेल्स ने ग्रुपिंग कर ली, यानी टिश्यूज बना लिए, तो टिश्यूज आर देयर एंड टिश्यूज आर परफॉर्मिंग द फंक्शन। मेन तो हमारा गोल फंक्शन ही है ना। टिश्यूज अगर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं तो उस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन को टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। कि अब यहाँ पर जो फंक्शंस की एफिशिएंसी होती है, सेल्यूल जितना भी हम लेवल अप करते चले जाएंगे, सेल्यूलर लेवल से जब टिश्यू लेवल पर चले जाएंगे तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। पर एफिशिएंसी क्यों इंक्रीज करनी पड़ रही है? क्योंकि लाइफ यानी बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है, तो सेल्यूलर लेवल से जब टिश्यू लेवल पर जाएंगे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम पे जाओगे तो और एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है? तो ऑर्गन सिस्टम तो बहुत मतलब हाई लेवल पे अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, अपने साथ जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको बहुत अच्छे से खतरनाक तरीके से अंजाम देते हैं, ठीक है? तो सेल्यूलर लेवल से टिश्यू लेवल पे आ गया भाई, आर यू गेटिंग इट? तो टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रॉन्स या सिलेंट्रेटा में पाई जाती है या निडेरियंस में पाई जाती है। इज दिस क्लियर? सेल्स जो भी हैं, अब देखो ये स्कैटर्ड होती हैं, ठीक है? एंड दे स्पेशलाइज टू डिफरेंट फंक्शन। बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे सेल्स स्कैटर्ड हैं, उन्होंने क्या बनाया हुआ है? उन्होंने टिश्यू बनाया हुआ है सेल्स ने, एंड वो क्या कर रहे हैं? अब टिश्यू है तो भैया स्पेशलाइज्ड फंक्शंस करेंगे, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को वो अंजाम देंगे। पहले सेल्स ये काम कर रही थी, अब सेल्स की ग्रुपिंग हो गई है तो टिश्यूज ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं और उससे ज़्यादा एफिशिएंटली कर रहे हैं सेल्यूलर लेवल, ठीक है? और ये पहला, देखो इससे पहला वाला हमने फाइलम क्या पढ़ा था? मेरे को फाइलम का नाम बताओ पहले। इससे पहले वाला जो हमने फाइलम पढ़ा था उसका नाम क्या था, जो हमने अभी सैटरडे में फिनिश किया था? जल्दी बताओ। सबसे पहला फाइलम हमने कौन सा पढ़ा? पोरीफेरा पढ़ा था।
या उसमें नर्वस टिश्यू था, या उसमें नर्वस टिश्यू था, जल्दी बताओ क्या उसमें नर्वस टिश्यू था? नहीं था, नर्वस टिश्यू नहीं था। यहां पर ये पहला ऐसा एनिमल का फाइलम है जहां से नर्वस टिश्यू यानी नर्व नेट की फॉर्म में ही आ रहा है भले ही, पर नर्वस टिश्यूज की शुरुआत हुई है। यहां पर नर्वस टिश्यू पाए जाएंगे, आर यू गेटिंग इट? यहां पर नर्वस टिश्यूज पाए जा रहे हैं, तो यही से नर्वस टिश्यू की शुरुआत हुई है। सिलेंट्रेटा से, निडेरियन से नर्वस टिश्यूज पाए जाते हैं। कुछ सेल्स स्टिमुलाई को रिसीव करने के लिए, नर्व इम्पल्सिस को सेंड करने और रिसीव करने के लिए स्पेशलाइज हो गई हैं, तो इसमें नर्वस टिश्यू पाया जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलेंट्रेटा का। ओके, एक्सोस्केलेटन है इसमें, और वो जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिनियस हो सकता है जो पेरिसार्क में पाया जाएगा, कैलकेरियस हो सकता है, कैल्शियम का बना हो सकता है जो कोरल्स में पाया जाता है। ओके, अब बॉडी डिप्लोब्लास्टिक है, यानी दो सेलुलर लेयर्स हैं, दो जर्मिनल लेयर्स पाए जा रहे हैं। पहली जर्मिनल लेयर क्या बना रही है? आउटर एपिडर्मिस। पहली जर्मिनल लेयर इसमें क्या बना रही है? आउटर एपिडर्मिस। और दूसरी जर्मिनल लेयर क्या बना रही है अंदर? इट इज फॉर्मिंग गैस्ट्रोडर्मिस, इनर अंदर की साइड, इनर गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, हालांकि इसमें एक मीजोग्लिया भी है। मीजो, हमने जब मैंने आपको डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़ाया था, जब लेक्चर का मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन दिया था, तो तब मैंने वहां आपको ये बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या कोई भी वीडियो नहीं देखी है, बिल्कुल नए हो चैनल पर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट का, शुरू से लेके चैप्टर वन से लेके अभी तक के सारे वीडियोस देख सकते हो। इसके भी सारे वीडियो लेक्चर वन, लेक्चर टू, लेक्चर वन जो इंट्रोडक्शन हमने दिया है चैनल पर अवेलेबल है, उसको जरूर देख लो, क्योंकि ये फाइलम वरना समझ में नहीं आने वाले। बेसिक जो बॉडी की स्ट्रक्चर्स होती है, कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, वो समझाई गई है इंट्रोडक्शन चैप्टर में, तो वहां जाके देख लेना। ओके, तो इन अब जो एक और लेयर है जो जर्मिनल लेयर में डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि उसमें सेल्स का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, तो ऐसी जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मीजोग्लिया। तो मीजोग्लिया पाई जाती है, इसको ए सेल्यूलर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें सेल्स का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। जब सेल्स का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था, ऐसी एक लेयर, दो लेयर ही होती है जिनमें सेल्यूलर डिफरेंशिएशन होता है, तो उस तरह के एनिमल्स को हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। समझ में रहेगा? ओके, अब मीजोगिलिया जब एडवांस हो जाती है तब वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बनाती है, यानी उसमें भी सेल्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है, उसमें कनेक्टिव टिश्यूज बनते हैं। ओके, और तब उस तरह के एनिमल्स को ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। उसके लिए आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो है, वो आपको देखना पड़ेगा। इफ़ यू हैव मिस्ड इट, इफ यू हैव मिस्ड इट, यू नीड टू सी दिस। ओके, चलो लेट्स मूव फर्दर। अब इसमें एक सिंगल इंटरनल कैविटी है, सिलोम नहीं है, सिर्फ एक इंटरनल कैविटी है, सिलोम नहीं है, लेयर्स के बीच में नहीं है, जर्मिनल लेयर्स के बीच में नहीं है, बट एक कैविटी बनी हुई है, ठीक है, जो गैस्ट्रोडर्मिस बनाती है। गैस्ट्रोडर्मिस एक इंटरनल कैविटी बनाती है, ठीक है, उसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कह रहे हैं। अब इसमें एक सिलोम क्यों नहीं पाई जा रही? भैया सिलोम इसलिए नहीं पाई जा रही है क्योंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता, यानी एक जो थर्ड लेयर है, जिसको तीन लेयर पढ़ी थी ना हमने, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, तो ये मीजोडर्म जो लेयर है ये बनाती है कैविटीज को, ठीक है। ये सूडोसिलोम भी बना सकती है, ये ट्रूसिलोम भी बना सकती है। तो जब ये मीजोडर्म प्रेजेंट होती है तभी कैविटी बनती है, ठीक है, उस कैविटी को हम सिलोम कहते हैं। पर अगर सबसे बाहर वाली लेयर बना रही है, यहाँ पे देखो ये गैस्ट्रोडर्म बना रही है, तो अंदर वाली लेयर बना रही है एंडोडर्म, गैस्ट्रोडर्म। तो अगर गैस्ट्रोडर्म एक कैविटी बना रही है, मीजोडर्म नहीं बना रही है, एंडोडर्म बना रही है, गैस्ट्रोडर्म बना रही है इसके केस में, तो वो एक कैविटी है जिसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहा जाएगा। इसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, और
इस गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के लिए एक सिंगल टर्म है दैट इज कॉल्ड सिलेंट्रॉन, और इसी सिलेंट्रॉन इस गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी की वजह से इन ऑर्गेनिज्म को सिलेंट्रेट्स भी कहा जाता है, और इस फाइलम का नाम हमने सिलेंट्रेटा भी रख दिया है। ओके क्लियर क्लियर, जल्दी बताओ क्लियर। ओके ग्रेट, हम सब दिखा दिया करो यार, कुछ तो दिखा दिया करो, है ना। अब देखो एनस इसमें एबसेंट होती है, सिलेंट्रेट्स के अंदर एनस एबसेंट होती है, ऑलरेडी मैंने बता दिया था, एक ही ओपनिंग है, ठीक है, एक ही ओपनिंग है, माउथ ओपनिंग है। ओके डाइजेशन इसमें इंट्रा सेलुलर होता है एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। अब ये सर इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है क्या, कैन एनीबडी टेल मी, ये डू यू हैव एनी आइडिया, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता क्या है? यस एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक हिंट देता हूं, अमीबा और ह्यूमन, ये तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, तो इनका डाइजेशन याद करो, तुमको इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन समझ में आ जाएगा जल्दी, और तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। बताओ इंट्रा सेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, अमीबा में इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है और ह्यूमंस में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। ओके बताओ जल्दी से, हु इज गोइंग टू टेल मी, डाइजेशन इन द सेल इज इंट्रा सेलुलर, वेरी गुड कुलदीप चौधरी, बहुत जबरदस्त आंसर। और एक्स्ट्रा सेलुलर कहां पर होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर कहां पर होगा भाई, एक्स्ट्रा सेलुलर कहां पर होगा जल्दी से बताओ, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहां पर होगा, नो आइडिया, डाइजेशन आउटसाइड द सेल इज एक्स्ट्रा सेलुलर, बट कहां पर होगा यही तो भूल रहे हो तुम। देखो अमीबा के अंदर हो रहा है इंट्रा सेलुलर, यानी ये डाइजेशन कहां हो रहा है, विद इन द सेल, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, और वो भी कहां पर, फूड वैक्यूल में हो रहा है, फूड वैक्यूल में हो रहा है। ह्यूमन का डाइजेशन कहां होता है, एलिमेंट्री कैनाल में होता है, भूल गए थे तुम, अरे बच्चों ऐसे कैसे चलेगा रे, तुम तो हमारा नाम खराब कर दोगे रे, पूरा नाम ही मिट्टी में मिला दोगे। हाँ एलिमेंट्री कैनाल, ऑर्गन्स बने हुए हैं, ओके स्टमक में हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, बक्कल कैविटी में हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस पे बताने पे आऊँ तो बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाएंगे। ठीक है पहला डिफरेंस तो मैंने बता दिया, अब सेल कैसे, अमीबा कैसे फूड को अंदर लेता है, इंजेशन कैसे करता है, फेगोसाइटोसिस करता है, ठीक है, और हमारे अंदर इंजेशन कैसे होता है, माउथ के थ्रू हो जाता है, हम तो बस सीधा मुंह में रखते हैं, काटते हैं, फूड को चबाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और अब हमारे अंदर जो एंजाइम रिलीज होते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल में ग्लैंड्स सिक्रीट करती हैं, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए, ये जो गैस्ट्रिक जूसेस से आएंगे, ओ सॉरी डाइजेस्टिव जूसेस से आएंगे, वो गैस्ट्रिक जूसेस भी हो सकते हैं, वो इंटेस्टाइनल जूसेस भी हो सकते हैं, वो सलाइवरी अमाइलेज भी हो सकता है माउथ के अंदर, तो वो सब कौन सिक्रीट कर रहा है, ग्लैंड सिक्रीट कर रही है, जबकि अमीबा के अंदर सिर्फ एक ही एंजाइम है लाइजोजोम, जो उसकी फूड वैक्यूल में ही सिक्रीट होता है, ठीक है, तो सेल ही सिक्रीट कर दे रही है, ठीक है। अब एक डिफरेंस और है, अमीबा के अंदर जो हो रहा है डाइजेशन वो केमिकल डाइजेशन है, पर हमारे अंदर तो मैकेनिकल डाइजेशन भी हो रहा है, फूड की चर्निंग होती है, हम चबा रहे हैं फूड को, ब्रेक डाउन कर रहे हैं स्मॉल स्मॉल चीज, यहाँ चबा रहे हैं, स्टमक उसकी चर्निंग कर रहा है, स्टमक में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, मसल्स उसकी ऐसे ऐसे कर रही हैं, तो उसको क्या कर रही है, चर्निंग कर रही है, उसका पेस्ट बना रही है, तो हमारे अंदर केमिकल डाइजेशन एज वेल एज मैकेनिकल डाइजेशन देखने को मिलेगा। तो यही बता रहा हूँ एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंट्रा सेल्यूलर में डिफरेंस, सेल के अंदर हो रहा है तो केमिकल डाइजेशन होगा, मगर अगर एलिमेंट्री कैनाल यानी एक्स्ट्रा सेलुलर हो रहा है तो केमिकल और मैकेनिकल दोनों डाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आया, जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं इस तरीके से, अब वो साइटोप्लाज्म में ही डिफ्यूज हो जाते हैं, जबकि हमारे अंदर जो न्यूट्रिएंट्स निकला है फूड से, देखो फूड फूड के अंदर न्यूट्रिशन है, अमीबा ने जो न्यूट्रिशन लिया, अमीबा ने जो न्यूट्रिशन लिया वो उसकी सेल में ही डिफ्यूजन हो जाएगा,
मगर हमारे यहाँ तो वो एब्जॉर्ब होगा ब्लड के अंदर और ब्लड उसको हर सेल तक ट्रांसफर करेगी, वहां पे जाके डिफ्यूजन होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड है, ब्लड के थ्रू होगा। ओके, फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अमीबा के केस में, इंट्रासेल्यूलर के केस में क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस होगा, बाहर निकाल देगा वो, बट हमारे यहाँ क्या होगा, हमारे यहाँ फूड को रिमूव करना पड़ेगा थ्रू द एनस। ओके, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर में ऐसा ये मैकेनिकल प्रोसेस आएगा फिर से। ओके चलो, तो तुम अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर में डिफरेंस समझ गए होंगे, इसलिए मैंने तुमको हिंट दिया अमीबा का और ह्यूमन का, ये डिफरेंस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई बिलीव समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है तो तुम्हें क्या करना है, ये करना है। ओके चलो नेक्स्ट। अब दो टाइप की बॉडी इनमें मिलती है, बॉडी फॉर्म, बेसिक बॉडी फॉर्म इन सिलेंट्रेट्स के अंदर होती है। एक पॉलिप से अटैच रहती है जो सिसाइल होती है, सिसाइल का मतलब ये नॉन मोटाइल है, इट इज अटैच्ड टू अ सरफेस, अटैच्ड टू सरफेस, सरफेस पे अटैच्ड है सिसाइल, ठीक है। और सिसाइल जो है वो सिलेंड्रिकल भी है, जैसे हाइड्रा एडम्सिया, ठीक है, ये सिसाइल है, ये सिलेंड्रिकल है। फ्री स्विमिंग फॉर्म भी पाई जाती है, जैसे अम्ब्रेला शेप्ड फॉर्म होती है, ठीक है, जिसको मेड्यूसा बोलते हैं, अम्ब्रेला शेप जो फॉर्म होती है उसको मेड्यूसा बोलते हैं, और ये ओरेलिया में पाई जाती है, ये जेली फिश का साइंटिफिक नाम है, ठीक है। तो सिसाइल अगर शेप पाई जा रही है वो सिलेंड्रिकल होगी और वो पॉलिप से अटैच रहेगी, अगर पॉलिप से अटैच है तो वो नॉन मोटाइल है, वो सरफेस से अटैच है वो सिसाइल है, और ये सारी की सारी शेप सिलेंड्रिकल होंगी, जैसे चाहे सी एन एम ऑन में देख लो, एडम्सिया में देख लो, या हाइड्रा में आप देख लो। जो फ्री स्विमिंग वाली होती हैं वो अम्ब्रेला शेप बनाती हैं, अम्ब्रेला की जो शेप होती है उसको मेड्यूसा बोलेंगे। ओके, मेड्यूसा और पॉलिप क्लियर रखना। हेलो, गुड मॉर्निंग जानवी, गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू, आई बिलीव यू आर फिट एंड फाइन, एवरीबॉडी इज फाइन एट होम। ओके, तो मैं क्या बता रहा था, मैं आपको मेड्यूसा और पॉलिप बता रहा था, अभी शेप भी दिखाने वाला हूं। अम्ब्रेला शेप्ड को मेड्यूसा बोलते हैं, ये मेड्यूसा जो शेप होती है वो फ्रीली स्विमिंग होती है, फ्रीली स्विमिंग करती है। जो पॉलिप शेप होती है वो सिसाइल होती है, सिलेंड्रिकल होती है, वो मूव नहीं करती है। इज दिस क्लियर, यहां तक क्लियर है? ओके चलिए लेट्स मूव फर्दर। कुछ स्पीसीज जो इसकी हैं इनमें पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, एक से ज्यादा फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट कर सकती है, सम स्पीसीज। अब यहां पर हम शेप्स की बात कर रहे थे, तो इन ऑर्गेनिज्म में जो निडेरियंस हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, इनमें दोनों फॉर्म्स पाई जाती हैं, और इसकी वजह से इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस क्या होता है कि एक सेक्सुअल फॉर्म से एसेक्सुअल फॉर्म, एसेक्सुअल फॉर्म से सेक्सुअल फॉर्म की तरफ जाता है। जैसे मेड्यूसा पॉलिप प्रोड्यूस करती है, सॉरी पॉलिप मेड्यूसा प्रोड्यूस करता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस करेगा। अब पॉलिप क्या है, ये वाली जो शेप है ये पॉलिप शेप है, पॉलिप शेप कौन सी होती है, सिसाइल होती है, ठीक है, सिसाइल शेप होगी, जो इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ सिलेंड्रिकल शेप दिख रही है, एडम्सिया में दिखा दिया ना मैंने, ये एडम्सिया भाई साहब है सी एन एम ऑन, तो ये देखो सिलेंड्रिकल शेप है, सरफेस से अटैच्ड है, सिसाइल है, पॉलिप शेप बनेगी। इज दिस क्लियर, इस तरीके से देखो, ठीक है, तो यहां पर ये पॉलिप शेप बनी हुई है, पॉलिप मेड्यूसा से प्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, एसेक्सुअली ये मेड्यूसा प्रोड्यूस करेगा। मेड्यूसा देखो ये अम्ब्रेला शेप है, अम्ब्रेला बना हुआ है, इसको कवर कर रहा है, ये आपको फ्रीली स्विमिंग वाले में मिलेगी, ये आपको कहाँ मिल रही है, जेली फिश में मिल रही है ये वाली स्ट्रक्चर आपको। इज दिस क्लियर, क्लियर है ना, वेरी गुड, ठीक है। और मेड्यूसा पॉलिप बनाती है सेक्सुअली, ठीक है, मेड्यूसा सेक्सुअली पॉलिप बना रही है और पॉलिप एसेक्सुअली, तो एक ऑर्गेनिज्म जैसे ओबिलिया, ओबिलिया के अंदर एक पॉलिप फेज होता है लाइफ का, जो एसेक्सुअली मेड्यूसा को प्रोड्यूस करता है,
मेड्यूसा में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल मतलब गैमेट की फॉर्मेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जब डेवलपमेंट होगा तो वो पॉलिप बना देगा। तो मेड्यूसा से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद पॉलिप बन रहा है और पॉलिप में बडिंग हो रही है, बडिंग के बाद वो मेड्यूसा बन जा रहा है। इज दिस क्लियर? तो पॉलिप एक एसेक्सुअल फॉर्म है, पॉलिप एक एसेक्सुअल फॉर्म है। पॉलिप मतलब यहां पर देखो बडिंग होगी, एसेक्सुअली की बात करें ना, बडिंग हो रही है यहां पर, बडिंग होगी तो पॉलिप फॉर्म से मेड्यूसा फॉर्म बनेगी, सेक्सुअली जब हो रही है तो फर्टिलाइजेशन होगा। ये एसेक्सुअल फॉर्म है, ये सेक्सुअल फॉर्म है, दिस इज द सेक्सुअल फॉर्म। जो सेक्सुअल फॉर्म होगी वही सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी, इतना तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और जो एसेक्सुअल फॉर्म होगी वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी, ठीक है। अब जो एसेक्सुअल फॉर्म यानी पॉलिप फॉर्म होती है उसमें सेंस ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, मेड्यूसा है में सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, यानी सेक्सुअल फॉर्म में सेंस ऑर्गन मिलते हैं, जैसे फोटो रिसेप्टर मिलेगा, ठीक है। ठीक है, सो आई बिलीव इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए लेट्स मूव फर्दर, लास्ट पॉइंट पे हम आ गए, एग्जांपल्स हमें देखने थे। तो फाइसिलिया, इसको पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, इसका मतलब जो पुर्तगाली वॉरियर होते थे उनका जो सिर होता था, उनका जो सिर पे वो कवच पहनते थे अपना, है ना, हेलमेट पहनते थे अपना, तो जब ये तैरता है फाइसिलिया तो ऐसा लगता है कि ये पुर्तगाली वॉरियर का सर है। ओके, तो पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर इसलिए इसका नाम रखा गया। एडम्सिया, सी एन अमोन, ये ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। पेनाटूला, इसको सी पेन बोलते हैं। गोरगोनिया, सी फैन, एंड मेंड्रीना, जिसको ब्रेन कोरल कहा जाता है, कोरल्स भी सिलेंट्रेटा का ही पार्ट है, ठीक है। क्लास नाइन्थ में आपने इसकी बेसिक नॉलेज ले ली होगी, नहीं ली है तो हमारे चैनल पर क्लास नाइन्थ से लेके ट्वेल्थ तक के वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, लाइव सेशंस हो रहे हैं, तो इस चैप्टर पे भी हम आ गए हैं ऑलरेडी क्लास नाइन में, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन लिया है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे सारे फाइलम्स पढ़ाए जाएंगे, उसका बेसिक्स आपको दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। ओके, टाइम टू टाइम उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना होगा, सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो ये आज का जो लेक्चर था ये यहाँ पर फिनिश हो गया है। किसी की कोई क्वेरी है तो मेरे को प्लीज़ बता दो, मैं आपकी क्वेरीज यहाँ ले लेता हूँ और अभी सॉल्व कर दूंगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ओके, चलो आप सबसे भी विदा लेता हूँ, आई बिलीव आपको समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। ओके दोस्तों, तो कल फिर मिलेंगे 8:30 बजे, सेम चैनल, सॉर्ट इंडिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।